हे दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट इन्वेस्टर नामी है। टुडे वी गोना टॉक अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग के पावर को डिटेल्स में समझेंगे, साथ ही साथ ये कैसे काम करता है, ये कैसे हमारे लाइफ को आसान बना सकता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, और क्यों सर आइंस्टाइन ने इसे एथ वंडर इन द वर्ल्ड बोला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर इससे पहले मेरे न्यू व्यूअर के लिए एक छोटी सी इंट्रो। अगर आपको तो पॉसिबल ऑप्शन दिया जाए कि आप चाहे तो 10 लाख रुपए कैश ले जाए या तो 1 रुपए जो 31 दिनों तक हर दिन डबल होंगे, आप कौन सा चूज करना पसंद करेंगे? आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पर जाहिर सी बात है हम में से कोई भी इतना नहीं सोचेगा और पहला वाला ऑप्शन ही चूज करेगा, क्योंकि दूसरे वाला ऑप्शन के कंपेयर में ये ज़्यादा पैसा लग रहा है और इसमें टाइम भी नहीं लग रहा, क्योंकि आपको सारा पैसा एक साथ मिल रहा है, और तीसरा ये कि इसमें सारा पैसा कैश में मिल रहा है। हालांकि हम अगर थोड़ी कैलकुलेशन करें तो हमें पता चलेगा 1 रुपये जो हर दिन डबल हो रहा है 31 दिनों तक उसकी वैल्यू 1080 करोड़ रुपए के करीब होगा। इस एग्जांपल से हमें दो चीज़ सीखने को मिल रहा है। पहले, आप अगर देखें तो आखिर के दिनों में ही आपके पैसा का एक्चुअल ग्रोथ हो रहा है, और सेकेंड डे में सिर्फ आपको 1 रुपये का 2 रुपये ही मिल रहा है। इसका मतलब स्टार्टिंग के दिनों में आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, इसीलिए ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। दोस्तों, अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। 1980 में एक इंडियन ने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया एक स्टॉक में, जिसकी आज वैल्यू है ऑलमोस्ट 1,408 करोड़ रुपये। अनवर्न के ब्रोकर ने उसे एक स्टॉक खरीदने की एडवाइस दी, जो कि है विप्रो, जो उस समय न्यू था। तो अनवर ने 10,000 रुपये उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया, जिससे अनवर को 100 शेयर मिला उस कंपनी की। अनवर ने स्टॉक को सिर्फ खरीदा ही, कभी बेचा नहीं। आप इस टेबल पे देख सकते हो कि स्टॉक की वैल्यू के साथ नंबर ऑफ स्टॉक भी कंपाउंड हुआ। कंपनी ने अगले ही साल एक पे एक बोनस शेयर इशू किया, जिससे कि अनवर के पास हो गया 200 शेयर। उसके 4 साल बाद कंपनी ने फिर से बोनस शेयर इशू किया, जिससे अनवर के पास हो गया 400 शेयर। ऐसे करते करते अभी अनवर के पास लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स है, जबकि असल में वो सिर्फ 100 शेयर्स ही खरीदे थे। अब हम अभी की बात करें तो विप्रो की एक शेयर की वैल्यू है 550 रुपये। तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुआ 1,408 करोड़ रुपये। दोस्तों, ये है पावर कंपाउंडिंग का। जो इसे समझते हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं, और जो नहीं समझते वो इसके खिलाफ जाके अपना लॉस करवाते हैं। दोस्तों, इसीलिए ज़्यादातर यंगस्टर क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस के अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा, ये कंपाउंडिंग काम कैसे करता है? इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप और आपके बेस्ट फ्रेंड ने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया एक ऐसी जगह पे जहां आपको 10% की रिटर्न मिले, तो इसका मतलब 1 साल के बाद आप दोनों को ही 10,000 रुपये का रिटर्न मिला। इसमें से आपका दोस्त 10,000 को फ्री मनी समझ के खर्च कर देता है, और क्योंकि आपको कंपाउंडिंग के इफेक्ट के बारे में पता है, इसलिए आप उस 10,000 को इन्वेस्ट रहने देते हैं। इसी तरह से फिर दूसरे साल में भी आपके दोस्त को 10,000 रुपये का रिटर्न मिला और आपको 11,000 रुपये का रिटर्न मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पहले साल का 10,000 ने भी 10% की रिटर्न कमाया है, और 10,000 की 10% 1,000 होता है, इसलिए आपको 11,000 का रिटर्न मिला। अब इसे हम अगर थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दे और 10 साल के बाद देखें, तो आपके दोस्त को अभी भी 10,000 रुपये का ही रिटर्न मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हर साल जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है उसे खर्च कर देता है, और 10 साल के बाद आपको 23,580 रुपये रिटर्न मिल रहा है, और आपने जो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था वो भी 2.5 लाख रुपये के करीब हो गया है। अब ऐसा क्यों, जबकि दोनों का ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम, इन्वेस्टमेंट पीरियड भी सेम? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके दोस्त ने सिंपल इंटरेस्ट पे रिटर्न लिया और आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे रिटर्न लिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस कंपाउंडिंग के इफेक्ट को ठीक से समझते ही नहीं। उन्हें अपना पैसा तो जल्दी जल्दी ग्रो करवाना है, इसीलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेते हैं और अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। दोस्तों, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो सभी इस कंपाउंडिंग के पावर को ठीक से समझते हैं। वॉरेन बफेट ने भी अपना आधे से ज़्यादा वेल्थ अपना 60th बर्थडे के बाद ही कमाया है। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसीलिए कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर इन द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। दोस्तों, आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी को आसान बनाने के लिए मैंने कुछ और भी वीडियो बनाया है, जो आपको ऊपर आई के बटन को क्लिक करके देख सकते हैं।
आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपको उन दोस्तों को जो कंपाउंडिंग के पावर को ठीक से समझते हैं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही इन्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।